चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। टू मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर कनेक्टेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग दैट पासेस थ्रू अ स्मूथ होल ओ, ओ यहां पर है ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द टेबल मास स्मॉल एम लाइज ऑन द टेबल एंड मास कैपिटल एम हैंग्स वर्टिकली, ठीक है ये हैंग कर रहा है ठीक है। एम इज मूव्ड अराउंड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ ओ, ठीक है इस पॉइंट के अराउंड घूम रहा है सेंटर ओ ठीक है। इफ कैपिटल एल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम ओ टू स्मॉल एम, यानी ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ एल है ठीक है। और देन द फ्रीक्वेंसी विथ विच एम शुड बी रिवॉल्व होना चाहिए ना, रिवॉल्व सो दैट कैपिटल एम रिमेन्स स्टेशनरी। तो कैपिटल एम अर्थ इसको खींचेगा एम जी फोर्स लगा के, इधर जो सेंट्रिपेटल फोर्स लगेगा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स वो कितना लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। तो हो क्या रहा है, अगर ये स्टेशनरीज को रहना है तो एम जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसका सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए तभी ये स्टेशनरी रह सकता है ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, तो एम इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर इंटू न्यू स्क्वायर। अच्छा आर की वैल्यू, आर जो है वो लेंथ एल के बराबर है, ये वैल्यू आर एल के बराबर है। तो अगर फ्रिक्वेंसी को मैं लिखूंगा तो एम जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू एल लिख दे रहा हूँ ठीक है। या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एम जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम एल, पाई बाहर भी आ सकता है तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन पाई अंडर रूट में एम जी अपॉन 2 भी बात कर लेते हैं, 4 और 2 दोनों पाई और 2 दोनों बाहर आ जाएगा इंटू एम एल। तो 2 पाई इंटू अंडर रूट में एम जी बाई एम एल, कौन सा ऑप्शन सही है 1/2 पाई एम जी कैपिटल एम जी ठीक है अपॉन एम एल, ये वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।